और अगली खबर जौनपुर से, जहां हत्या की ऐसी वारदात हुई जिसने रिश्तों के दामन पर दाग लगा दिया। शराबी भतीजे को गाली गलौज करने से रोकना चाचा को भारी पड़ गया। भतीजे ने कुल्हाड़ी से चाचा पर हमला कर दिया और एक ही वार में चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में रिश्तों के कत्ल का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। शराब के नशे में भतीजे ने मामूली कहासुनी के दौरान सगे चाचा की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि आरोपी सुनील कुमार उर्फ गुड्डू रात को नशे में धुत होकर पहुंचा और दरवाजे पर बैठकर गालियां बकने लगा। जब उसे मना किया गया तो आपे से बाहर हो गया। वो नशे में था और वो गाली दे रहा था घर के सामने। ये बाहर निकले, मना किए, गाली मत दो। उसके हाथ में धारदार हथियार था और उस हथियार से उसने मार दिया इसे। और इनका ना तो कोई विवाद था, ना कोई पहले से लफड़ा था, कुछ मैटर नहीं था। बस मैटर यही था कि वो गाली दे रहा था, उन्होंने गाली के लिए मना किया और उसके लिए उसने धारदार हथियार से उनके ऊपर वार कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सुनील शर्मा उर्फ गुड्डू अक्सर शराब के नशे में गाली गलौज किया करता था, लेकिन इस बार जब जयप्रकाश शर्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे रोकने की गलती कर बैठे। नशे की हालत में वो भूल गया कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और सामने उसके सगे चाचा हैं। लहूलुहान हालत में घायल जयप्रकाश शर्मा को इलाज के लिए उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात का समय है, तू दरवाजे बैठ के पूर गाली दे रहा, गंदी गंदी गाली दे रहा, गाली मत दे। लेकिन वो क्या है कि तो दुष्ट है, उसी में मतलब तू का करवा कैसे कैसे मतलब थोड़ा ये भी अभी ये बाप है, डांटेंगे वो उसी में आकर के कुल्हाड़ी से मार दे। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति अपने सगे चाचा जयप्रकाश शर्मा को एक मामूली वाद विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी बदलापुर ले जाने पर उनकी मृत्यु घोषित हुई। इस प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। हत्या की घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जयप्रकाश शर्मा उमरी खुर्द के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। परिजन भी नहीं समझ पा रहे कि किसी दुश्मनी के बगैर मामूली कहासुनी पर कोई अपने सगे चाचा की हत्या कैसे कर सकता है। मनोज सिंह, न्यूज 18 जौनपुर। जौनपुर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में सो रहे डॉक्टर को मारने के लिए तीन बदमाश बाइक पर आए थे और गोलीकांड की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस तीन टीमें बदमाशों की तलाश में पुलिस की जुटी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जौनपुर के जलालपुर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोली की आवाज ने पूरे इलाके को गूंजा दिया। बदमाशों ने अपने क्लिनिक में सो रहे डॉक्टर तिलकधारी पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। जलालपुर चौराहे के पास मणियाहू रोड का ये पूरा मामला है। आज दिनांक 4 जनवरी 2024 को रात्रि में लगभग 2:15 से 2:30 बजे के बीच थाना जलालपुर अंतर्गत जलालपुर चौराहे पे गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस के द्वारा जांच करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि साई क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर टीडी पटेल। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों बदमाश बाइक पर आए थे। बदमाशों ने साई बाल क्लिनिक में सो रहे 35 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनने के बाद मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई। आनन फानन में डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हत्यारों की तलाश की जा रही है। अपने कमरे में सो रहे थे, जहां पे तीन अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई,
घायल अवस्था में उनका उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल जौनपुर में रवाना किया गया, जहां पे डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं, जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ बाकी तमाम पहलुओं पर छानबीन कर रही है। आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घर में सो रहे डॉक्टर की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। न्यूज 18 के लिए जौनपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद मुन्ना यादव का अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया। कन्नौज में विष्णुगढ़ इलाके में 25 दिसंबर को पुलिस दबिश देने गई थी, लेकिन मुन्ना यादव ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया था। कन्नौज में विष्णुगढ़ इलाके में 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही को शहीद करने वाले मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मकान को जमींदोज कर दिया। हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कई थानों की फोर्स, पीएसी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार के 2 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन ने कुछ ही मिनटों में अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के काले साम्राज्य से खड़े किए गए मकान को जमींदोज कर दिया। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में। पूरा मकान आप लोग देखा होगा गिरने से पहले, तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिसमें जिससे फायरिंग ये करता रहता था, और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर जो बनकर नुमा मकान था वहां पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने और इसके परिजनों ने। 25 दिसंबर की शाम पुलिस की टीम मुन्ना यादव के घर दबिश देने के लिए गई थी। इसी दौरान बाप बेटे ने मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और इस फायरिंग में सिपाही सचिन राठी घायल हो गया था, जो उपचार के दौरान शहीद हो गया था। बदमाश अशोक उर्फ मुन्ना यादव पर 26 केस विचाराधीन थे। अपराधी ने लोगों को डराने धमकाने के लिए बीच खेत में मकान बना रखा था। सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए मकान को गिराया गया है। इस समय हम खड़े हैं धरनी धीरपुर नगरिया गांव में। यह गांव जो है अभी 25 दिसंबर को चर्चा में आया था, जब इस गांव में पुलिस की टीम दबिश देने आई थी। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मकान है अशोक उर्फ मुन्ना यादव का। इस घर पर पुलिस की टीम दबिश देने आई थी। जो टीम दबिश देने आई थी उस टीम पर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के द्वारा हमला कर दिया गया था और उसमें एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मजिस्ट्रेट अभी कुछ देर पहले यहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। लोकेश दुबे, न्यूज 18, कन्नौज।